ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज नीति सिंह और आज जो आपकी क्लास लगेगी वो क्लास 7th की चैप्टर 17 है, जो कि हमने प्रीवियस पार्ट में हमने क्लास जो हमारी लगी थी जिस चैप्टर का नाम था नेचुरल रिसोर्सेज फॉरेस्ट एंड प्रोडक्ट, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से जो कि फॉरेस्ट से हमें प्राप्त होते हैं, फॉरेस्ट द्वारा जो नेचुरल रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हमने पार्ट वन में काफ़ी कुछ जाना था। हमने क्या क्या जाना था, हमने देखा था कि फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है आज के टाइम पे, फॉरेस्ट कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, फॉरेस्ट से हमें कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध होती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डे टू डे लाइफ में हमारे इस्तेमाल में आती है, और फॉरेस्ट के डिसअपीयर यानी कि विलुप्त हो जाने से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, हमें कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, ये सारे टॉपिक हम प्रीवियस यानी कि पार्ट वन में देख चुके थे। जो बच्चों ने पार्ट वन नहीं देखा है वो पार्ट वन को देखें। और एक दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको इसमें या जो भी यूट्यूब चैनल्स में वीडियोस प्रिपेयर हो रही है या जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसमें अगर कोई भी डाउट होता है आपको, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, उस चैप्टर को दोबारा पढ़ा दिया जाएगा ऑनलाइन क्लासेस में जो कि आपकी कंटिन्यू हो रही है, तो वो ऑनलाइन क्लास में आपको क्लियर सारे डाउट्स कर दिए जाएंगे। कोई भी चैप्टर है अगर आपको वो ठीक से समझ में नहीं आया है, डाउट है उसके अंदर, तो आप उस चैप्टर का नाम इस कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज के जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं इन्हीं टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट होने के बाद। जैसे कि आपका टॉपिक है पहला प्रोड्यूस कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है, देखिए हमने फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस बारे में जान लिया, फॉरेस्ट हमें क्या देता है जान लिया, लेकिन ये फॉरेस्ट आखिर कैसे, हाँ फॉरेस्ट कैसे बढ़ता है वो भी जान लिया था हमने। फॉरेस्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें होती है, कौन सी ऐसी पदार्थ मौजूद होते हैं या कौन से जानवर या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से एक फॉरेस्ट जो है वो बन पाता है, एक प्रकार से वो स्टेबल रह पाता है। तो स्टेबल के लिए, फॉरेस्ट को स्टेबिलिटी के लिए तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। वन इज द प्रोड्यूसर ओके, कंज्यूमर्स एंड द डिकम्पोजर्स। अब इनका मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, दैट मीन्स जितने भी आपको फ्रूट्स फल मतलब आपको जंगल से जो भी चीज़ प्राप्त हो रही है वो पेड़ पौधे प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर। अभी मैं आपको फूड चेन भी इसी के अंदर समझाऊंगी तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रोड्यूसर का मतलब प्रोड्यूस करना, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है और आपको देता है यानी कि आप उसका इस्तेमाल करते हैं, पहले प्रोड्यूस यानी कि वो कोई भी फॉरेस्ट कोई भी उत्पाद बनाता है, कोई भी चीज़ है एक्स वाई जेड, चाहे वो फ्रूट हो स्पाइस हो कुछ भी चीज़ घास फूस जो भी चीज़ है वो प्रोड्यूस करता है, दैट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर, यानी पेड़ पौधे हमारे लिए क्या हो गए प्रोड्यूसर हो गए। नेक्स्ट है कंज्यूमर, कंज्यूम मतलब उसका उपभोग करना, उपभोक्ता बोल सकते हो आप एक तरह से, यानी कि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो व्यक्ति किसी चीज़ का इस्तेमाल करता है वो उपभोक्ता कहलाता है, दैट मीन्स कॉल्ड कंज्यूमर्स कहलाता है। जैसे कि फ्रूट्स फलों ने दिया, फल क्या हो गए, फल हो गए प्रोड्यूसर, सॉरी फ्रूट्स जो है पेड़ पौधों ने दिया तो पेड़ पौधे हो गए प्रोड्यूसर, हमने उसका इस्तेमाल किया, हमने यानी कि फ्रूट्स को खाया, हम हो गए कंज्यूमर। अब इसके बाद एक और प्रोसेस होगा जिसके वजह से वो प्रक्रिया चलती रहेगी, प्रोड्यूसर की और कंज्यूमर की दोनों की प्रोसेस चलने के लिए हमें डीकम्पोजर्स की भी इस्तेमाल आवश्यकता होती है। अब डीकम्पोजर क्या होता है, डीकम्पोज करना का मतलब होता है अपघटित करना। अपघटित का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हम खाते पीते हैं, कोई भी चीज़ हम खाते हैं या कोई भी जीव जंतु है उनका समय अंतराल आता है जिस वक्त वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको नेचुरल डेथ कहा जाता है। नेचुरल डेथ के बाद डेड बॉडी का क्या होता है, हम तो इंसान हैं, हमारी हर अलग अलग प्रथा है धर्म के हिसाब से कि हम क्या करते हैं डेड बॉडी का, कुछ को जलाया जाता है कुछ को दफनाया जाता है, लेकिन अगर हम जानवरों की बात करें जो जंगल में होते हैं तो क्या आपको लगता है कि जंगल के जानवरों को चार कंधे उठा के लेके जा रहे हैं और उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। जो जानवर दुर्घटनावश मर जाता है या फिर उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है, हम प्लांट की भी बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, पेड़ पौधे या जानवर मिट्टी के अंदर अपघटित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। अभी डिकम्पोज कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं। अभी हम इसको डिटेलिंग में जानेंगे, अभी मैं आपको डेफिनेशंस बता रही थी बस इन तीनों का मतलब क्या होता है। अब हम जानते हैं कि एक आपका क्या हुआ, एक प्रोड्यूस हुआ, दूसरे ने कंज्यूम किया यानी कि खाया, तीसरे ने यानी कि
डिकम्पोजर यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दिया और उसको ह्यूमस बना दिया। ह्यूमस का मतलब उसका खाद बना दिया, जो कि पेड़ पौधों ने उसका इस्तेमाल करके वो अच्छी प्रकार से ग्रोथिंग का प्रोसेस किया। अभी अगर कोई डाउट होगा तो उसको और अच्छे से क्लियर करेंगे फूड चेन देखने के बाद, ये डिकम्पोजर्स में एक बार और समझाऊंगी, पहले हम फूड चेन देख लेते हैं। फूड चेन का मतलब क्या है? फूड चेन बेसिकली आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा फूड चेन क्या होती है। फूड चेन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति दूसरों पर किस प्रकार से निर्भर होता है, यही एक फूड चेन के दौरान चलता है। जैसे एक स्टार्ट करते हैं हम, ग्रास है यानी कि घास है, घास को कौन खाता है? ग्रास ऑपर खाते हैं, या आपको इंसेक्ट भी ले सकते हो। ग्रास ऑपर खाता है, ग्रास ऑपर को कौन खाता है? मेंढक खाता है, ठीक है। मेंढक को कौन खाता है? सांप खाता है। सांप को कौन खाता है? ईगल खाता है, ठीक है। इस तरीके से चलता है। जैसे हमने ग्रास ली, ग्रास को कौन खाया? इंसेक्ट ने खाया, हमने इंसेक्ट बना लिया छोटा सा। इंसेक्ट को किसने खाया? इंसेक्ट को खाया मेंढक ने। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बेटा इतनी, तो आप थोड़ा सा सोच लेना, मैंने मेंढक ही बनाया है यहाँ पे। मेंढक किसने खाया? सांप ने खाया। सांप को किसने खाया? ईगल ने खाया। तो आप ये सोच सकते हो कि एक फूड चेन चल रही है इस तरीके से। इसको घास को ग्रासहॉपर ने खाया, ग्रासहॉपर को मेंढक ने खाया, मेंढक को किसने खाया? सांप ने खाया, स्नेक ने खाया, सांप को ईगल ने खाया। तो ये जो प्रोसेस होता है ये जंगलों में पाया जाता है। जानवर कैसे सस्टेन कर पाते अपनी लाइफ को? एक दूसरे को खाकर ही सस्टेन करते हैं। कुछ कार्निवोरस होते हैं, कुछ हर्बीवोरस होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो घास फूस बिल्कुल नहीं खाते, वो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, ठीक है। तो ये फूड चेन जो है जंगल में अधिकतर पाई जाती है। इसी के वजह से जंगल सस्टेन करता है, जंगल के जीव जो है वहां पर रह पाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को खाकर अपना जीवन जीते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इसमें से अगर एक चीज विलुप्त हो जाती है, एक चीज डिसअपीयर हो जाती है, दैट मीन्स अगर एक चीज इसमें से नहीं रहती, तो क्या ये फूड चेन अच्छी प्रकार से चलेगी? क्या फॉरेस्ट में रहने वाले जानवर जो हैं वो अच्छी प्रकार से सस्टेन कर पाएंगे? तो आंसर है नो। अगर इसमें से एक भी चीज मिस हो जाती है तो आपका जो इकोसिस्टम है, जंगल का जो इकोसिस्टम है, आप बोल सकते हो जो फूड चेन है, वो अनडिस्टर्ब्ड हो जाएगी, ठीक है। डिस्टर्ब हो जाएगी। कैसे? अब हम एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और भी है कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर ही निर्भर रहते हैं। प्लांट क्या है? प्लांट ऑटोट्रॉफिक है। जिसने मेरी सारी क्लासेस पढ़ी है वो ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, इन सब में कंफ्यूज नहीं होगा बच्चा। फिर भी उन बच्चों के लिए बता दूं, ऑटोट्रॉफी का मतलब वो होता है जो कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं। इसके अंदर हम प्लांट को कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट एक ऐसा जीव है जो कि अपना खाना स्वयं बनाता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता। तो हम या तो फिर ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी फूड चेन है वो ऑटोट्रॉफ पर निर्भर है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि फूड चेन जितनी बन रही है वो किस पर निर्भर है? प्लांट पर निर्भर है। दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो घास फूस नहीं होगी तो ग्रास ऊपर क्या खाएगा? ग्रास ऊपर नहीं खाएगा कुछ, तो ग्रास ऊपर विलुप्त हो जाएगा, मर जाएगा। फिर जब ग्रास ऊपर नहीं होगा तो मेंढक क्या खाएगा? फिर मेंढक जब हमारा जीवन शैली किससे चल रहा है? खाने से चल रहा है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है? खाना है, ठीक है। आप खाने के बिना नहीं रह सकते, अपना जीवन सोच ही नहीं सकते बिना खाने के, ठीक है। तो खाना ही, अगर उसको अपना खाना ही नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति या वो जीव मरते जाएगा, और वो मरते जाएगा तो इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, जंगल बर्बाद हो जाएगा, उसके जानवर बर्बाद हो जाएंगे, वो भुखमरी से ही मर जाएंगे, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर या फूड चेन के अंदर कोई भी ऐसा जीव जो कि विलुप्त हो जाए, मर जाए या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? तो ये फूड चेन भी डिस्टर्ब हो जाएगी और खराब हो जाएगी, ठीक है। फूड चेन ऐसे ही चलती है, फूड चेन में तीनों चीजें ही कंबाइंड होती है। अब हम डिकम्पोजर्स को बहुत ही डिटेल में समझ लेते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर इज इक्वल टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी समझ सकते हो। डिकम्पोज करने का काम कौन करता है? यानी अपघटित करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या करते हैं? देखिए, मैंने क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाया था, क्रॉप में मैंने ह्यूमस के बारे में अच्छी तरीके से बताया था। देखिए, ह्यूमस क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल, इट्स कॉल्ड द ह्यूमस। जो भी सड़े गले पदार्थ
मिट्टी के अंदर होते हैं, जानवरों के या प्लांट पौधों के सड़े गले पदार्थ जो होते हैं उन्हीं को ह्यूमस कहा जाता है। और वो सड़े गले पदार्थ का इस्तेमाल जब ये ह्यूमस बन जाता है, यानी कि वो खाद जब बन गया, वो मिट्टी हम अपने लिए न्यूट्रिशन के बेस में करती है। ठीक है, देखिए एक सपोज करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक पौधा है, ठीक है, हमने एक्स वाई जेड कोई भी पौधा ले लिया, उसमें अब क्या किया है, एक जानवर है, मैं वैसे तो बहुत सारे जानवर लाखों की करोड़ों की संख्या में डेली मरते हैं, ठीक है, डिकम्पोज होते हैं, बट सपोज करो एक चिड़िया जो है, या एक चिड़िया है या कोई भी है, वो मृत्यु हो गई, वो मर गई, तो अब क्या होगी, वो नीचे जमीन पर गिर जाएगी, और कुछ समय के बाद छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको छोटे 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 बहुत बारीक टुकड़ों में तोड़ देते हैं, बहुत छोटे टुकड़ों में डिकम्पोज कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, और इसका जो अंश है वो मिट्टी में घुल जाएगा, और मिट्टी में वो घुल जाएगा तो मिट्टी को न्यूट्रिशन मिल जाएगा, पोषण मिल जाएगा, और जब मिट्टी को पोषण मिलेगा तो वही पोषण कौन ले लेगा, प्लांट ले लेगा, तो प्लांट को न्यूट्रिशन इन्हीं सारी चीजों से मिलता है। ठीक है, ये हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षा करना। देखिए कई तरह से आज के टाइम पे फॉरेस्ट की कटाई हो रही है, ठीक है, लीगली अनलीगल दोनों तरीके से कटाई वगैरह होती है, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि फॉरेस्ट की कटाई ना करें, क्योंकि देखिए आपको डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें मिल रही है, आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको फॉरेस्ट से ही प्राप्त होती है, तो फॉरेस्ट से प्राप्त किए बिना या फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाए बिना हम वो चीज़ें नहीं ले सकते। लेकिन हमें करना ये चाहिए, अगर हम इस टॉपिक का मेन पॉइंट की बात करें, मेन पर्पज़ की बात करें, तो मेनली हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, एफॉरेस्टेशन का मतलब है दोबारा पुनः पौधे को लगाना। ठीक है, सपोज कीजिए आपको टिम्बलर के लिए, दैट मीन्स लकड़ियों के लिए पेड़ों को काटने की आवश्यकता है। देखिए आपके हर घर में आपको लकड़ी की चीज़ें ज़रूर मिलेगी, वो अलग चीज़ है, वो चीज़ें प्लास्टिक ने क्या कर दी, उसको रिप्लेस कर दिए, बट लकड़ियों की चीज़ें हर घर में, या आपका मंदिर हो, चाहे खिड़की हो, चाहे दरवाजे हो, आज भी लकड़ी का इस्तेमाल उतना ही होता है। तो लकड़ी के इस्तेमाल करने में पेड़ काटने पड़ते हैं, और पेड़ काटना गलत नहीं है, क्योंकि हमें बिजनेस के लिए कई प्रकार से पेड़ काटना पड़ जाता है, लेकिन एफॉरेस्टेशन करना उतना ही ज़रूरी है कि पेड़ों को उसी स्थान पर दोबारा लगा देना। पौधा जितना हो सके, आपकी आप भी अपने आसपास जहां जगह आपको दिखती है वहां पौधा पेड़ लगाइए, क्योंकि पौधा और पेड़ हमें ऑक्सीजन देने का काम करता है। ये बहुत ही मेन पर्पस है, एक बहुत ठोस रीज़न है जिसके वजह से आप पौधा लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट की सुरक्षा के कौन कौन से नियम कानून होते हैं, सबसे पहली चीज लीगल माना गया है पेड़ काटना। जो है अगर अनवांटेड या लीगली वे में आप पेड़ या जंगल की कटाई अपने मतलब के लिए नहीं कर सकते, ठीक है, उससे आप पेड़ों को बचाएं, ठीक है, और एफॉरेस्टेशन करें पेड़ों की यानी जंगल की सुरक्षा के लिए, आप एफॉरेस्टेशन जितना हो सके पेड़ पौधे लगाना चाहिए हमें। ठीक है, और कौन कौन से पर्पस होते हैं, आप और भी चीज़ें जैसे कि इसके कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के अंदर ये होता है कि उसके इर्द गिर्द यानी कि उसके चारों ओर जितने लोग होते हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए अबाउट द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस की उनको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस की नॉलेज का मतलब क्या है कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी महत्वपूर्णता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, कितना इंपॉर्टेंट रखता है, ये सारी नॉलेज उन व्यक्ति को होनी चाहिए जो भी फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं। ठीक है, ताकि वो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ना करे, पेड़ों को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, क्योंकि जंगल के अंदर ना केवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बल्कि जितने जानवर है जंगल उनका एक प्रकार का घर होता है। ठीक है, उनका वो घर है, और जैसे हमारा अगर घर छीन लिया जाए तो हम बेघर हो जाएंगे, हम मतलब एक तरह से हमारा कोई बसेरा नहीं होगा, तो वही उसी प्रकार से जानवरों का भी वो घर होता है, तो उसको कंजर्वेशन यानी उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ह्यूमन बीइंग की है। तो हम कई प्रकार से सुरक्षा कर सकते हैं, पेड़ों की कटाई ना करके, एफॉरेस्टेशन करके यानी कि पेड़ों को दोबारा उत्पन्न करके, और ऐसे एजुकेटेड या ऐसा एजुकेशन फैला कर कि उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू योर बुक है बेटा, इसमें कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं ऑनलाइन क्लास में सारी चीज़ों को डिटेल में क्लियर कर लूँगी।
नेक्स्ट है हमारा इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि एक दूसरों पर किस प्रकार से प्लांट और एनिमल निर्भर रहते हैं। अभी देखिए, अभी तक आपने जितने टॉपिक पढ़े उसमें आपने ये देखा कि हाँ, हम तो पौधों पर निर्भर हैं, हम मसालों के लिए निर्भर हैं, हम फल के लिए निर्भर हैं, हम लकड़ी के लिए निर्भर हैं, हम मेडिसिन के लिए निर्भर हैं, ऑक्सीजन के लिए निर्भर हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए एक इंसान या एक एनिमल पौधों पर या प्लांट पे या फॉरेस्ट पर निर्भर है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि पौधा यानी कि फॉरेस्ट और एनिमल दोनों ही एक दूसरे पर कैसे निर्भर होते हैं, ये चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्दर डिविजन क्या है, डिपेंड ऑफ एनिमल ऑन प्लांट। अब हम पहला टॉपिक हम इसमें ये पुट करते हैं, या पहला टॉपिक वो लेते हैं कि एक एनिमल प्लांट पर कैसे निर्भर होता है, एक एनिमल प्लांट पर कैसे निर्भर होता है। एनिमल में सारे लोग आ गए, एक ह्यूमन बीइंग को भी आप ले सकते हैं, रख सकते हैं, और एक जानवर को भी रख सकते हैं। तो हमें ये इस टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि एक कोई जानवर, कोई भी मतलब कि सभी जानवर पौधों पर या प्लांट पर कैसे निर्भर होते हैं। तो ये तो आपको बहुत ही बेसिक है, ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक एनिमल प्लांट पर कैसे निर्भर रहता है, क्यों निर्भर रहता है, किस तरह से वो प्लांट उसकी मदद करता है। तो देखिए, खाने से लेकर ओढ़ने से लेकर सारी चीज़ों के लिए एक जानवर जो है प्लांट पर निर्भर होता है। देखिए, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले वो ऑक्सीजन देता है। प्लांट एनिमल को क्या दे रहा है या हमें क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। इट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और प्लांट जो है, प्लांट की यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। आप बोल सकते हो कि प्लांट एनिमल को कैसे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, ये चीज़ें बताई जा रही है, इसको ध्यान से सुने। ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का बैलेंस बना के रखता है। फॉरेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जानवरों को फल देता है, फल या खाने के जो सोर्सेज होते हैं वो सारे हम उन्हें जंगल से मिलते हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनको शेल्टर देता है। शेल्टर का मतलब है उनको एक निवास देता है जहाँ पे वो रह सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा घर होता है, वैसे जानवरों के लिए उनका घर क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं। तो उनको निवास देता है, जैसे मंकी, ऐप, ये सारी चीज़ें कहाँ पर रहती है, पेड़ की शाखाओं पे। इंसेक्ट वगैरह पे, ग्रासेस पे या छोटी-छोटी टहनियों पर रहते हैं। तो ये सारे जानवर जो है वो शेल्टर के लिए पेड़ों पर निर्भर होते हैं, खाने के लिए पेड़ों पर निर्भर होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए पेड़ों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पर एक पौधे पर, एक जानवर को निर्भर होना पड़ता है। एक जानवर पौधे पर कई प्रकार से निर्भर है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये आ रहा है कि डिपेंड्स ऑफ प्लांट ऑन एनिमल, यानी कि एक प्लांट एनिमल पर क्यों निर्भर होता है, एक प्लांट, एक पौधा एनिमल पर क्यों निर्भर होगा, कैसे निर्भर होगा, कौन से पॉइंट हो गए, आप खुद सोच के देखिए। थोड़ी देर आप खुद सोचिए कि एक प्लांट एनिमल पर क्यों निर्भर है, कैसे निर्भर है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, प्लांट एनिमल पर निर्भर इसलिए है क्योंकि एनिमल ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, क्योंकि वो श्वसन क्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल पौधा क्या करता है, उसका पौधा उसको फोटोसिंथेसिस में, या साधारण शब्दों में कहें तो खाना बनाने के लिए पौधा CO2 का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है। तो हो गया ना ये कि वो प्लांट पर, सॉरी, एनिमल पर निर्भर है पौधा। पौधा क्या ले रहा है एनिमल से, पौधा एनिमल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहा है और उस गैस का इस्तेमाल वो खाना बनाने में कर रहा है। तो एक प्रकार से पौधा किस पर निर्भर हो गया, एनिमल पर निर्भर हो गया। दूसरी चीज, एनिमल पे कैसे निर्भर होता है कि एनिमल कई तरह से डिसपेयर करने का काम करते हैं, उनके बीजों को, उनकी पीढ़ी को या उनकी संतति को फैलाने का काम करते हैं। कैसे, देखिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस जो बताई थी, तो मैंने आपको बताया था जंगल सिर्फ इतने से एरिया में नहीं आ सकता, जंगल एक लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया में रहता है। तो लार्ज अमाउंट में हम बीज तो बोने नहीं जाते हैं जंगल में, तो बीज को फैलाने का काम कौन करता है, बीज को फैलाने का काम जानवर करते हैं, इंसेक्ट करते हैं। तो ये इंसेक्ट और जानवर द्वारा क्या हो जाता है, बीज या कई प्रकार से पॉलन ग्रेन फैल जाते हैं और जंगल की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि जंगल बढ़ जाते हैं, लार्ज एरिया में बढ़ जाते हैं। तो इसमें भी वो प्लांट पर निर्भर हो गया, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लांट को एनिमल क्या देता है, ह्यूमस देता है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ह्यूमस क्या है, डेड एंड डिकेंग ऑर्गेनिक फॉर द प्लांट। प्लांट को वो डेड एंड डिकेंग
डिकिंग यानी सड़े गले पदार्थ देता है, डेड एंड डिकिंग सब्सटेंस बोल सकते हो आप, सड़े गले पदार्थ देता है, क्योंकि पौधे के मरने से या जानवर के मरने से क्या हो जाता है, वो उनका जो अंश है वो डिकम्पोज हो जाता है और उसी के वजह से मिट्टी को न्यूट्रिशन मिलता है, और मिट्टी को न्यूट्रिशन मिलता है तो वही न्यूट्रिशन किसके पास जाता है, वही न्यूट्रिशन जाता है पौधों के पास। तो इस तरह से कई प्रकार से पौधा एनिमल पर निर्भर है और एनिमल पौधे पर निर्भर है, ये दोनों ही एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस होते हैं, ठीक है। इसके साथ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर क्लियर होगा, समझ में आया होगा। अगर किसी भी चैप्टर में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, आपकी ऑनलाइन क्लास में वो डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।